पिरोड़ो भरसपाल नक्सलियों के निशाने पर था। उनका टारगेट कर्मा परिवार था, जहां नक्सलियों ने सड़क पर 10 किलो वजनी बम लगा रखा था। सर्चिंग पार्टी के जवानों ने बम बरामद कर मौके पर डिफ्यूज कर दिया। दंतेवाड़ा एसपी ने कहा है कि वीआईपी रोड की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पर्सीधारी लोग जो है पूरन तरह से पार हुए हैं, क्योंकि पूरन तरह बहुत ही दंतेवाड़ा से नजदीक है, तो निश्चित रूप में लगा कि आईडी हो सकता है। तो सुबह से इसकी चेकिंग कराई गई, तो चेकिंग में पुलिया के पास में 10 से 15 किलो का आईडी मिला। करीब 50 मीटर लंबा तार था। हमारे पास पहले भी इंटरसेप्शन आया था कि फरसपाल रोड पे और चोलना रोड पे नक्सली आईडी लगा के विस्फोट करके फरसपाल रोड को माना जाता है। आज इसी रोड पर नक्सलियों का लगाया हुआ एक 10 किलो का बम जवानों ने रिकवर किया और इस बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। हम दिखाते हैं कि ये वही बम को डिफ्यूज करने के बाद ये उसी का सामान है, इसी के अंदर पर भरा हुआ है। देखिए किस तरीके से टुकड़े और जिलेटिन के टुकड़े पूरे यहाँ पर भरे हुए हैं। ये उसकी मट्टी है और आसपास में बारूद की अभी तक पूरी गंध यहाँ पर फैली हुई है। सीआरपीएफ 111 बटालियन और फरसपाल की टीम यहाँ पर निकली हुई थी, जिसकी सर्चिंग पर यहाँ पर ये बम मिला है। हमारे साथ में फरसपाल के थाना प्रभारी भी मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते इस बम को देखा और इतला की आला अधिकारियों को और बम को यहाँ पर डिफ्यूज किया। थोड़ा सा बताएंगे कि सर कहाँ पर आपको ये बम दिखा और कैसे, मतलब कितनी बड़ी साजिश थी नक्सलियों की? आरोपी पार्टी जब निकलती है ना, तो प्रॉपर वे में सर्चिंग करते करते जो दिख जाता है आंखों से उसको सर्च करके, और जो जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं सीआरपी का उसकी सहायता से, और यहाँ पर तो खैर आंख से ही दिख गया, वायर थे इसके कारण से ये बरामद हो गया। फिर उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बता दी गई सूचना दी। कितने कितने किलो वजनी बनता सर? कितनी क्षमता? लगभग 10 किलो की वजन की क्षमता है इस बम की। कोई बड़ी गाड़ी को भी उड़ा सकता था बम? निसंदेह उड़ा सकता है बम बिल्कुल। ये काफी हैवी बम यहाँ पर रिकवर किया गया और पुलिस की एक अच्छी और बड़ी कामयाबी है। ये फरसपाल की रोड है, वीआईपी रोड है, इसमें स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। दीप्ति कर्मा, बंटी कर्मा, दीपक कर्मा, सभी लोगों का आना जाना रहता है। इस लिहाज से ये जो सफलता है पुलिस की अहम और एक बड़ी सफलता है। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, फरसपाल। 20 लाख की आबादी वाले ग्वालियर।